बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब कैसे होंगे। आज मैं अभी खिदमत में बहुत ही मज़े की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, तो इसमें हम डाल देंगे एक कप मिल्क और इसी में ऐड कर दूँगी हाफ कप शुगर और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारी शुगर नाइसली मेल्ट हो जाएगी और इसका बिल्कुल शीरे की तरह ये रेडी हो जाएगा। ये देखें, यहाँ मैंने इसको 20 मिनट में मीडियम फ्लेम पे पकाया, तो यहाँ पे ये एक कप की बजाय आधा कप रह गया। ये देखें जो है मैं इसको निकालती हूँ तो ये स्लो स्लो के ड्रॉप देने जाता है, तो अभी हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। देखिए मैं यही चम्मच उठाती हूँ तो ये एक ड्रॉप की तरह गिरना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए जो मिल्क और शुगर का जो हमने रेडी किया है इसको ठंडा हो गया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही रेडी करना है। ये देखें जो यहाँ पर इसको चमक कर ये एक ड्रॉप की तरह गिरेगा। अगर आपसे गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको अब ब्लेंडर में डालूँगी क्योंकि मैं ब्लेंड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज डलेगी, अब इसमें ये ठंडा हो चुका हुआ है तो इसमें डाल देंगे और इनको हम ब्लेंड कर लेते हैं। इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे स्ट्रॉबेरी जो है नाइस ब्लेंड हो चुकी है। स्टेप की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सिंग बाउल, इसमें मैं सारी क्रीम डाल देती हूँ और अब इसको हम मिक्सर से नाइसली मिक्स करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक ताकि ये थिक हो जाए। ये देखिए मैंने इसको 10 मिनट तक मिक्स किया तो ये बहुत नाइसली बिल्कुल क्रीमी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें जो मिक्सर है दूध का जो स्ट्रॉबेरी का वो इसमें डाल देती हूँ और इसको हम नाइसली मिक्स करेंगे। मैं स्पैचुला यूज करूँगी इसमें। ये देखें इसकी बिल्कुल स्ट्रॉबेरी का कलर आना शुरू हो गया। इसको हम एक दफ़ा नाइसली मिक्स कर लेते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या आप इसी को फॉइल के साथ बंद करके फ्रिज में रख दें ओवरनाइट, यानी कि 24 घंटे तक। वैसे भी 12 घंटे में भी सही जम जाती है, लेकिन मैं इसे रखूँगी आज रात और सुबह हम देखेंगे। मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है तो इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको बिल्कुल लिड बंद कर देंगे और अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर है तो वो यूज कर लें, अदरवाइज आप इसी को फॉइल से या क्लिंग रैप से रैप करके फ्रीजर में रखते हैं। अभी मैं इसको रख देती हूँ तो एक दिन के बाद मिलते हैं। ये देखें पूरा ओवरनाइट गुजरने के बाद अब मैंने इसको निकाल लिया हुआ है, तो अभी इसका लिड ओपन करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जम गई है, तो अभी हम ये स्कूप लेके इसको निकालते हैं और इसको सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को सर्व कर लिया हुआ है। ये तीन इंग्रेडिएंट्स बनी हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप भी प्लीज इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को सर्व कर लिया है, बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you.